सो हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। से आज जो है आपको दिखाने वाला हूँ KTM RC 390 का नया कलर। BS6 मॉडल में जो है एक और कलर आपको देखने को मिल जाता है। पहले जब ये लॉन्च हुई थी इसमें जो है एक ही कलर आपको देखने को मिला था, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन अभी जो है आपको एक और नया कलर देखने को मिल जाता है, सिल्वर व्हाइट एंड जो है ऑरेंज। मतलब काफ़ी सारे जो है कलर्स इसमें दिखेंगे आपको। तो ये जो कलर है ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने आप में, जो कि कुछ दिन पहले जो है RC 200 में भी आया था लिमिटेड एडिशन के थ्रू। सो वहाँ पर भी जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो अभी जो है ये कलर आपको ऑफिशियली जो है RC 390 में देखने को मिलेगा। सो आज जो इसी बाइक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में। इसकी जो है 2.53 लाख जो है एक शोरूम प्राइस होने वाली है। ऑन रोड जो है लगभग 2.85 तक जो है जा सकती है। बाकी जो है एक बार शोरूम में आप चेक कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो में जिसी बाइक का एक वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। सो बाकी आप वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी आपके डाउट्स हो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो। MRD व्लॉग्स के नाम से मेरी आईडी है, आपको जो है वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूंगा सबसे पहले लुक्स के बारे में। लुक्स जो है बाइक का काफी अच्छा है, फुल फेयरिंग बाइक है और देखने में काफी अच्छी लगती है। एंड कुछ नए कलर्स भी अभी आपको देखने को मिल गए हैं। सो लुक्स जो है आपको काफी अच्छा लगेगा, लुक्स में कोई भी कमी आपको नहीं लगेगी। लेकिन कुछ फीचर्स है जिनकी कमी हमें लगती है, सो उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इंजन के बारे में बताऊं तो 373 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक FI BS6 लिक्विड कूल आपको इंजन देखने को मिल जाता है। एंड यहां पे आपको पावर मिल जाती है 43.5 bhp की, 36 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। सदी में बोलो इसको परफॉर्मेंस वाइज, परफॉर्मेंस जो है इसकी लाजवाब है। परफॉर्मेंस के मामले में जो है मेरे को लगता है कि इस प्राइस में कोई और बाइक आपको इतनी परफॉर्मेंस दे पाएगी। जिसकी परफॉर्मेंस है, जो इसकी पावर है यार, मतलब बिलीव नहीं करोगे, बहुत ज़बरदस्त पावर इस बाइक की। आप जो है पावर के लिए जो है इस बाइक को ले सकते हो। पावर के मामले में जो है आपको कोई भी कमी नहीं लगेगी। बाकी आपको 6 स्पीड का गेयरबॉक्स मिल जाएगा बाइक में, स्लीपर क्लच जो है आपको देखने को मिल जाती है। एंड उसके अलावा जो है आपको क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि BS6 में ही जो है एड ऑन किया गया है। आपको बता दूंगा इस यहाँ पे 25 से 30 तक की माइलेज मिल जाएगी। 25 के लगभग जो है आपको सिटी में मिल जाएगी, 30 के लगभग जो है आपको हाईवे पे मिल जाएगी। सो माइलेज भी जो है आपको ठीक ठाक से मिल जाएगी इस बाइक में। 170 प्लस तक की जो है आपको हाई स्पीड देखने को मिल जाएगी। बट ट्राई मत करना कभी भी इंडियन रोड्स पे, बिकॉज KTM की ऐसी बाइक्स होती है कि वो भागने के लिए मतलब जो है बिल्कुल तरसती है। सो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा इनके थ्रोटल पे। बाकी बात करूँ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, गाइस यहाँ पे आपको ड्यूअल चैनल ईबीएस मिल जाता है। फ्रंट में आपको 320 mm का डिस्क मिल जाता है, रियर में जो है आपको 230 mm का डिस्क मिल जाता है। लाइटिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ, फ्रंट में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है, जो कि येलो कलर में होने वाले हैं, जो कि LED में हो जाते हैं BS6 मॉडल में। सो काफ़ी अच्छा होता। एंड जिसका नया मॉडल आ रहा है उसमें भी जो आपको हेलोजन ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है मेरे को अच्छा नहीं लगा, बिकॉज यार कम से कम नए मॉडल में तो LED लेके आना चाहिए, बट यहाँ पे वो भी जो है आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, LED टेललाइट मिल जाती है। सो मतलब आपको सिर्फ फ्रंट की जो हेडलाइट है वो हेलोजन में देखने को मिलेगी, उसके अलावा सब कुछ जो आपको LED में देखने को मिलेगा। आपको बता दूंगा इस यहाँ पे मीटर कंसोल के बारे में। मीटर जो है इसमें फुली डिजिटल देखने को मिलेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, गियर इंडिकेटर वगैरह, माइलेज वगैरह, रेंज वगैरह। एंड उसके अलावा जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी, जैसे कि फ्यूल गेज वगैरह, स्पीडोमीटर वगैरह एंड जो है क्लॉक वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी जो है बाइक में आपको देखने को मिल जाता है। सो ऐसा कुछ जो इसका मीटर कंसोल होने वाला है, एंड ये कुछ जो आपको फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं। अभी बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन की बात करूँ, फ्रंट में जो आपको USD सस्पेंशन मिल जाते हैं, रियर में जो आपको मोनोस्ट्रोक सस्पेंशन मिल जाएंगे। टायर्स की बात करूँ, फ्रंट में आपको 110x70 17 इंचज़ के टायर्स देखने को मिल जाएंगे, रियर में जो है आपको 150x60 17 इंचज़ का टायर देखने को मिल जाएगा। ऑरेंज कलर में जो है आपको व्हील्स देखने को मिलेंगे इस बाइक में। तो वही सीटिंग के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे जो है आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, लेकिन कम्फर्ट जो है इसका कुछ खास आपको नहीं लगेगा यदि आप लॉन्ग राइड्स के शौकीन हो तो। बाकी मेरे को लगता नहीं है कि जो लॉन्ग राइड्स मारेगा या फिर जिसको लॉन्ग राइड का शौक है, सो वो जो इस बाइक के लिए शायद ही जाएगा, बिकॉज इस बाइक को वो लेते हैं जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, ट्रैक वगैरह के लिए चाहिए। सो आप जो है इस बाइक को ले सकते हो, बाकी लॉन्ग राइड्स में जो है ये कामयाब नहीं है। एंड बाकी आपको बता दूं, इस बाइक में जो है कंफर्ट राइडर के लिए ठीक है, बट पिलियन के लिए नाक के बराबर मैं बोल सकता हूं, बिकॉज इसकी रियर की सीट है वो जो है मतलब उसकी कुशनिंग भी कुछ खास नहीं है, एंड वो जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा कम्फर्ट नहीं दे पाएगी। सो राइडर जो है इसको ईजिली राइड कर सकता है, बाकी पिलियन जो है इस पर शायद ही 5 से 10 किलोमीटर तक राइड कर पाए। सो ऐसा कुछ जो है इसका कम्फर्ट होने वाला है। सो आपको बता देता हूँ, लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल भी मत लेना, आप जो है किसी और बाइक की तरफ जा सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 9.5 लीटर्स की होने वाली है। वेट जो है 173.2 kg का होने वाली इस बाइक में। ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका 178 mm होने वाला है। एग्जॉस्ट के बारे में बात करूं तो आप खुद ही एक बार सुन लीजिए इसकी आवाज़, एंड उसके बाद में मेरे को बताना कि कैसा लगा आपको इसका एग्जॉस्ट नोट।
सो ये साउंड आपने सुन ली, कमेंट में जरूर बता देना कि आपको कैसी साउंड लगी इसकी। और बाकी जो है आपको बता दूं अभी प्राइसिंग के बारे में, प्राइस मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दी थी, 2.53 लाख जो इसका एक शोरूम प्राइस है, 2.80 से 2.85 के लग जो इसका ऑन रोड जाने वाला है। बाकी ऑन रोड प्राइस में जो है मैं श्योर नहीं हूँ, बिकॉज ऑन रोड प्राइस जो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा आपकी सिटी में कि क्या कुछ जो है वहाँ पे प्राइस चल रहा है, सो वो एक बार आप चेक कर लेना। सो बाकी इस आज की वीडियो में एक छोटा सा रिव्यू था, अभी बात करते हैं क्या ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए या फिर इसका नए मॉडल के लिए वेट करना चाहिए। सो आपको बता दूं इसका जो नया मॉडल है उसकी भी जो है टेस्टिंग चल रही है, अभी इंडियन रोड्स पे नहीं चल रही बट जो है अदर कंट्रीज में जो है चल रही है उसकी टेस्टिंग। एंड उसमें जो है आपको ज़्यादा कुछ खास तो फीचर्स नहीं मिलने वाले, फर्क आपको इतना देखने को मिलेगा कि इसमें जो है आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगी इसके मीटर कंसोल में, एंड उसमें जो है कुछ आपको वही फीचर्स देखने मिलेंगे जो आपको Duke 390 में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो है आपको बाकी सब कुछ सेम ही देखने को मिलेगा, बाकी बॉडी का डिजाइन चेंज हो जाएगा लेकिन जो है फीचर्स आपको वही देखने को मिलेंगे। एंड जो लुक्स है वो जो है आपको इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा उसके कंपेयरिंग, बिकॉज उसका जो लुक्स है वो मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा, फोटो जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी बात करते हैं ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। आपको बता दूं यदि आप शौकीन हो एक परफॉर्मेंस बाइक के, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, लॉन्ग राइड्स वगैरह आप नहीं मारते ज़्यादा, कभी कभी आप लॉन्ग राइड्स पे जा सकते हो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए सो वो जो है ये बाइक फुलफिल कर सकती है, परफॉर्मेंस जो आपको देगी पूरी पूरी, बिकॉज यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए बनी है मशीन ये भी और जो है RC 200। तो परफॉर्मेंस वाइज जो आपको कोई कमी नहीं लगेगी, परफॉर्मेंस जो आपको अच्छी खासी दे देगी ये बाइक। लेकिन राइड्स जो है आप इससे शॉर्ट ही मार पाओगे, लॉन्ग राइड्स तो जो है ज़्यादा नहीं मार पाओगे, आप जो है शॉर्ट राइड इससे इजीली कर सकते हो बट पिलियन के साथ में जो है ज़्यादा आप लॉन्ग राइड नहीं मार पाओगे। माँ हुई पापा हुई मतलब इनको जो है आप नहीं राइड करा सकते इस बाइक पे, आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड को राइड करा सकते हो, उसके अलावा जो है कोई भाई बहन उनको जो है राइड करा सकते हो एज ए पिलियन, बट जो है आप अपने मदर या फादर या फिर जो है कोई बड़ी बहन सो उनको जो है आप राइड नहीं करवा पाओगी। सो बाकी इस आपके कोई भी डाउट्स हो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो, MRD Vlogs हमसे मेरी आईडी है, वहाँ पे जो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। Rocky, I am a teacher, I cannot fuck with you, I do not follow rules, make me